हम लोग बिहार एंटर कर गए हैं, काफी ज्यादा कंजेशन है बिहार में। बिहार में हो गया एंटर किए हुए काफी, आधा घंटा सफर हो गया और ट्रैफिक काफी ज्यादा है बिहार में, आप देख ही सकते हैं लोग सब्जी उब्जी रोड पे ही। बिहार का हालत थोड़ा तो अभी भी वही है ट्रैफिक कंडीशन में। रोड अच्छा होने से क्या हो जाएगा, अगर रोड पे ही अगर आप सब्जी और मार्केट लगाएंगे तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गाड़ी चलाना। लोग को सेंस बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी क्रॉस कर जाते हैं। आप देखिए कैसे ये साइकिल वाले भैया को देखिए, ये सारा चीज है। बाकी भागलपुर अभी यहाँ से करीबन मुझे लगता है 20-25 किलोमीटर और होगा, पहुँचते हैं भागलपुर फिर बात करते हैं आपसे। हेलो सोहम, हाउ यू, हाउ इज योर जर्नी गोइंग? नाइस, यू आर एंजॉयिंग द जर्नी? हाँ, ट्रैफिक कंडीशन ठीक लग रहा है? अभी सो के उठी, देखो कितना मस्त, धीरे 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 हम लोग बिहार में चल रहे हैं, क्या मस्त ट्रैफिक है बिहार में। हाँ नो बोलो कुछ, कैसा है ट्रैफिक बिहार में? भागलपुर हम लोग एंटर कर गए हैं और भागलपुर के जस्ट बाहर में है और राइट, भागलपुर से राइट लेना होता है। भागलपुर मतलब शहर के जस्ट पहले एक फ्लाईओवर जा रहा है, उस ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ जाना है, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ जाना है राइट की तरफ। ये जो ट्रक जा रहा है इसके साथ साथ मैं भी निकल जाऊँगा। क्या होगा कि हमें शहर सिटी ट्रैफिक से बच जाएंगे, हम सिटी ट्रैफिक हमें नहीं पड़ेगा। हम लोग भागलपुर शहर को अभी जस्ट बाईपास कर रहे हैं और आगे जाके ब्रिज आएगा, काफी बड़ा गंगा ब्रिज है। तो भागलपुर से याद आया, मेरी मम्मी ने अपना स्कूलिंग अपनी भागलपुर से की है, माउंट काबल स्कूल से। बोर्डिंग में रहती थी, बोर्डिंग स्कूल था माउंट काबल, अभी भी है माउंट काबल, काफ़ी फेमस स्कूल है यहाँ का। तो मेरी अपने स्कूल की हेड गर्ल थी, तो मेरी मम्मी ने भागलपुर से पढ़ाई की है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ। हम लोग भागलपुर के जो सिटी को क्रॉस कर लिया है, विक्रमशिला
शेतु क्रॉस कर रहे हैं, गंगा नदी नीचे है बह रही है और ऊपर ये विक्रमशिला ब्रिज, काफ़ी लंबा ब्रिज है, पता नहीं, नो आइडिया, बट मुझे लगता है ये मोर देन 5 किलोमीटर्स है जो इतना, बट आपने फिर देखा होगा जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे लोग बिल्कुल समझते नहीं, गाड़ी के सामने आ जाते हैं गाड़ी बाइक लेके अपना, पता नहीं क्या इनको मतलब समझ ही है कि नहीं, क्या कि कुछ हो जाए तो क्या होगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ लग जाए तो क्या होगा, वो भी गाड़ियों से, बड़ी बड़ी है, ये SUVs हैं, अगर बाइक से, अगर बाइक से टकराएंगे, बाइक इनसे टकराएंगे तो उनको नुकसान है, ठीक है हमें भी नुकसान है, लेकिन उनका तो हाथ पैर कुछ भी टूट सकता है ना, ऐसा लगता है कि हमें भागना पड़े रोड के नीचे इनसे बचने के लिए। तो ये कह रहा था कि मैं, ये विक्रमशिला सेतु है, ये काफी फेमस है शायद टॉर्टोइस के लिए भी, यहाँ पे टॉर्टोइस भी काफी पाए जाते हैं और ये काफी बड़ा ब्रिज है, मुझे लगता है, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है 5 किलोमीटर से तो काफी लंबा है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग बताइएगा कि ये 5 किलोमीटर से लंबा है या कम है। हम लोग अब कुरशेला पहुंचने वाले हैं, नौगछिया क्रॉस हो गया है और कुरशेला पहुंचेंगे, बस पहुंचने पे ही है कुरशेला, कुरशेला के बाद शायद कटिहार आएगा या नहीं, या पूर्णिया आएगा शायद कुरशेला के बाद, तो अभी कुरशेला पहुंचते हैं, जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ अब रोड का कंडीशन थोड़ा बेटर हुआ है और ट्रैफिक भी कम हुआ है, नहीं तो भागलपुर तक तो काफी ज्यादा, इवन नौगछिया तक काफी ज्यादा ट्रैफिक मिला है, उसके अभी थोड़ा ट्रैफिक ठीक है, रोड कंडीशन ठीक है, कहीं कहीं पॉट होल्स हैं, काफी डीप पॉट होल्स हैं, तो अगर आप आ रहे हैं रात में तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिन में तो दिक्कत नहीं होती है बट रात में हो सकता है कि शार्प पॉट होल्स हैं काफी, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपकी गाड़ी को। अभी हम अभी अभी जस्ट हम लोगों ने कटिहार क्रॉस किया है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है अभी हम लोग, रोड काफी अच्छा है इधर का और पॉपुलेशन भी शायद कम है इस साइड में, तो काफ़ी इजली डिस्टेंस कवर हो रहा है, भागलपुर के बाद काफ़ी ज़्यादा जल्दी हम लोगों ने कवर किया, रोड भी काफ़ी अच्छा है इधर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी मैं रांची से हम लोग ने चल रखा है, से करीबन अभी हम लोगों ने एग्जैक्टली 481 किलोमीटर्स रांची से हैं और उसको कवर करने में अभी जो सुबह हम लोग निकले थे 5:30 बजे, तो आप जोड़ लीजिए कब तक कितना टाइम लगा, 9 घंटा दिखा रहा है मेरे इसमें डिस्प्ले में। रोड कंडीशन इज गुड, आए आप एंजॉय कर सकते हैं ट्रैप को, और रांची से आने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई भी गाड़ी से आए चलेगा, हाँ लेकिन SUV हो तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, नो डाउट, आप डिस्टेंस जल्दी कवर करोगे अगर SUV गाड़ी हो आपके पास, तो कोई भी SUV हो, बड़ी SUV हो। मैंने यहाँ अभी आने वक्त अभी देखा, मैंने नेपाल की गाड़ी भी देखी, नेपाल से एक लैंड क्रूजर देखा मैंने। लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये पूर्णिया सिटी है जिसे हमने अभी बाईपास किया, तो 4 किलोमीटर अंदर चले जाएगा तो पूरा शहर है, और ये शहर ऐसे बाहर भी आउटस्कर्ट्स दिख रहे हैं, तो ये पूर्णिया सिटी है और ये सीधा आपका किशनगंज की तरफ ले जाता है ये रास्ता। यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो सिलीगुड़ी दिखा रहा है 172 किलोमीटर अभी भी, और आप लोगों को बताना भूल गया था, पूर्णिया मेरा ननिहाल है, मेरी नानी घर है,
लेफ्ट साइड में यहाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भवानीपुर पड़ता है, भवानीपुर में मेरा ननिहाल है। अब हमें यहाँ से राइट लेना है एक सर्कल से, तो हम किशनगंज होते हुए, किशनगंज एंड इस्लामपुर ये सब होते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी। मैं इसी गोल चक्कर की बात कर रहा था, ये सर्कल है, इस सर्कल से टेक पूरा यू राउंड लेना है। ये स्ट्रेट आपका निकाल लेगा सिलीगुड़ी। रोड की बहुत पिक्युलैरिटी है कि आपका जब आप पूर्णिया से राइट लेते हैं कुछ सर्कल से टुवर्ड्स किशनगंज, तो बीच में बिहार भी आता है, फिर थोड़ी देर के बाद वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद बिहार आ जाता है, ऐसे ही चलता रहता है करीबन 3 से 4 बार, फिर जाके प्रॉपरली वो वेस्ट बंगाल के अंदर जाके मर्ज कर जाता है ये वाली रोड। अभी इसमें क्या हो रहा है, इस रोड में कभी बंगाल आ रहा है बिहार आ रहा है, बंगाल आ रहा है बिहार आ रहा है, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। फिर से एक टोल आ गया, शायद टोल काफी है इस रोड में। टोल है काफी इस रोड में। किशनगंज को बाईपास है, ये फ्लाईओवर है, नीचे किशनगंज सिटी है, आप देख सकते हैं इधर किशनगंज सिटी है नीचे में। इसके बाद 30 किलोमीटर के बाद इस्लामपुर आएगा, हार्डली मुझे लगता है कि 110 किलोमीटर के आसपास सिलीगुड़ी बचा हुआ है, और रांची से हम लोगों ने अभी तक में 571 किलोमीटर कवर किया है अच्छे पेस से, करीबन 11 घंटा दिखा रहा है टाइम 571 किलोमीटर कवर करने का, काफ़ी अच्छा है क्योंकि तो जैसा ट्रैफिक है और ये सारा चीज़ है उसके हिसाब से बढ़िया है। ये किशनगंज की बात। ये सिलीगुड़ी से पहले का टॉल है, लास्ट टॉल है सिलीगुड़ी। अब यहाँ से हार्डली 25 किलोमीटर्स है तो सिलीगुड़ी हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ हमेशा एक पंगा होता है टोल रीड करने का। बस सिलीगुड़ी के लिए हम लोगों ने राइट टर्न ले लिया है, यहाँ से हार्डली सिलीगुड़ी दिखा रहा है 10 किलोमीटर्स, और बस सिलीगुड़ी में ही है हम लोग, यू कैन से आउटस्कर्ट्स ऑफ सिलीगुड़ी। बस हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच गए, इट्स अराउंड 674 किलोमीटर फ्रॉम रांची। इट्स बीइंग अ गुड जर्नी, मज़ा आया काफ़ी, 12 घंटा का रहा सफ़र, ठीक था, काफ़ी इजी रहा, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल रहा 7 डबलों में, कोई थकावट नहीं, एवरीबॉडी इज़ फीलिंग कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। आगे अभी होटल जाना है, होटल में चेक इन करते हैं, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। फाइनली रेस्ट सिलीगुड़ी, होटल में स्टे किया है, होटल बेंगा बॉन्ड नाम है, काफ़ी अच्छा होटल है, ये मॉल में ही सिचुएटेड है ये होटल। और ये देखिए न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चालू है, पार्टी चल रहा है यहाँ पे, नाइस प्लेस, ब्यूटीफुल। गोवा जा रही हो? यहाँ से गोवा, हिली एरिया से गोवा जाओगे सीधे? अच्छा, कैसे?
ट्रेन से गोवा चली जाओगी इतना दूर, तो 7 AA क्यों लाए थे फिर? दार्जिलिंग घूमने के लिए। तो फिर अभी निकल जाओगी तो फिर दार्जिलिंग कैसे घूमोगी? तुम टिकट पहना है, दिखाओ टिकट पहना है। अच्छा ये देखो ना, वो भी है, ये भी घूम रहे हैं। मम्मी को देखो,